जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। दिवाली आने वाली है और मैं आपको एक से एक उपाय बता रही हूँ कि इस बार दिवाली हमें कैसे मनानी है और कैसे बहुत ही धूमधाम से मनानी है, सच्चे दिल से मनाना है और माता लक्ष्मी को इस बार अपने घर से जाने नहीं देना है। कैसे माँ लक्ष्मी को अपने घर में आप स्थिर करके रख सकते हैं, आइए जानते हैं। हमने दशहरा में रावण दहन के रूप में अपने अंदर के अहंकार को, अपने अंदर के रावण को जला दिया है और हमारे अंदर एक बहुत ही अच्छी सी अच्छाई का वास हो चुका है। अब हम धीरे धीरे अपने घर के जो भी कूड़ा करकट गंदगी आदि है उसे निकालेंगे, दिवाली की सफाई करेंगे और दिवाली से पहले हर घर की सफाई करते वक्त हमें कुछ बातों का ज़रूर ही ध्यान रखना चाहिए। और आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही खुशियों भरा त्यौहार है जिसे हमारे पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हमारे देशवासी रहते हैं वो सभी लोग इसे बहुत ही धूमधाम से यानी दिवाली को मनाते हैं और उनके साथ साथ उनके आसपास में रहने वाले दूसरे कल्चर के लोग भी इस त्यौहार को बहुत ही इंजॉय करते हैं। कार्तिक अमावस्या की काली रात को मनाया जाने वाला ये त्यौहार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी जहाँ भी हो सभी के घर में समान उत्साह के साथ मनाई जाती है। और दिवाली का ये त्यौहार 5 दिनों तक चलेगा जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है और समापन भाई दूज से। धनतेरस वाले दिन सोने चांदी के सिक्के, बर्तन आदि आपको खरीदने हैं और खुशियों के अलावा इस त्यौहार को साफ सफाई का त्यौहार भी माना जाता है। हमारे सभी त्योहारों में से एकमात्र दिवाली ऐसी है जब हम पूरे घर की कोने कोने की अच्छी तरह से साफ सफाई करते हैं। दिवाली के 1 महीने या 15 दिन पहले से ही लोग अपने घरों की सफाई करना शुरू कर देते हैं, घरों का रंग रोगन कराते हैं, साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते हैं। कुछ लोग तो अपने घर में लिपाई पुताई, कुछ नए नए सामान खरीदते हैं, कोई नई टीवीज लाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान लाते हैं। पूरे साल इंतज़ार करते हैं दिवाली का क्योंकि दिवाली में डिस्काउंट ऑफर आता है और तब वो बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी अपने अपने पॉकेट के हिसाब से दिवाली के त्यौहार को बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। दिवाली का नाम सुनते ही जब साफ सफाई औरतों के दिमाग में स्पेशली घूमते रहते हैं तो कभी आपके दिमाग में क्या ये बात आई है कि हम ये सफाई क्यों करते हैं? आज मैं आपको बताती हूँ कि सफाई ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि ये धन धान्य का त्यौहार है, देवी विष्णु प्रिय श्री लक्ष्मी जी का त्यौहार है। इस दिन माँ लक्ष्मी सबके घर आती है, कहते हैं कि उस दिन उनका जन्म दिवस होता है पृथ्वी पर, इसलिए वो विचरती रहती हैं। और जिसका घर सबसे साफ सुथरा होता है, खुशबूदार होता है और लाइट से चमकीला होता है, देवी लक्ष्मी माता को चमकीली चीज बहुत ही पसंद है, तड़क भड़क, क्योंकि माता लक्ष्मी बहुत ही रिच है और लोगों में ये चीज़ें देखकर ही माँ लक्ष्मी उनके घर में अट्रैक्ट होती हैं। जिसके घर में बहुत सारी चमक धमक हो, साफ सफाई हो, सुंदरता हो, बहुत सारी रोशनी हो, वहाँ माँ लक्ष्मी आ करके उस घर में विराजमान होती हैं। जिस भी भक्त का घर सबसे साफ सुथरा होता है माँ लक्ष्मी को वही भक्त पसंद आता है और उस घर में ही माता लक्ष्मी विराजमान होती हैं। इस दिन आपको माता लक्ष्मी के साथ साथ रिद्धि सिद्धि का आगमन भी करना है। गणेश जी का आगमन होता है, घर का एक एक कोना ऐसे चमकाना चाहिए जैसे कल ही घर बन करके तैयार हुआ है। ऐसा कोई भी काम ना करे दिवाली पर जिसके लिए मना ही हो। कुछ चीज़ों का परहेज आपको रखना चाहिए और सावधानियों के बारे में आपके बड़े बूढ़े तो बताते ही होंगे, फिर भी मैं आपको बता दूं कि कैसे आपको क्या सावधानियां रखनी है। स्पेशली साफ सफाई के मामले में दिवाली के दिन आपको घर में बिल्कुल भी कूड़ा ना रहने दें, इस दौरान अपने अपने घरों की साफ सफाई में लग जाए। इस दिवाली आपको कुछ पुरानी चीज़ों को बिल्कुल अपने जीवन से हटा देना है जिसे हम दोबारा संभाल कर रख लेते हैं। लालच नहीं करना आपको, इन चीज़ों से आपको मोह त्यागना होगा क्योंकि कुछ ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आपके घरों में नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है।
और उसको अगर आप निकाल के बाहर फेंकेंगे तो वो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास करता है, यानी सकारात्मकता का वास हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे 10 चीज़ें हैं जो आपको आपके घर से हटाने हैं। टूटा हुआ दर्पण सबसे पहली चीज़ है कि वास्तु के अनुसार सबसे बड़ा दोष माना जाता है टूटा हुआ दर्पण, और इस दोष के कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। परिवार के सदस्यों में मानसिक तनाव रहता है और आए दिन लड़ाई झगड़े झंझट आदि होते रहते हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने घर में टूटा हुआ दर्पण रखा है, चाहे उसका एक छोटा सा कोना ही क्यों ना टूटा हो, तो भी उसे आप बिना लालच के घर से निकाल फेंकें। आप देखेंगे कि घर में माता लक्ष्मी इसी की वजह से नहीं आ रही है। अगर आप इसे निकाल के फेंकेंगे तो खुद देखेंगे कि कैसे आपके काम में बरकत आ जाएगी और आपको आईना खरीदने के लिए पैसे की कमी नहीं होगी। दूसरी चीज, वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपको टूटे पलंग पर नहीं रहना है। बहुत से लोग टूटे पलंग पर रहते हैं जिसका बहुत ही आवाज़ करता हो और उस पर भी ध्यान नहीं देते लोग। अगर पलंग ठीक नहीं होगा तो पति पत्नी के वैवाहिक संबंधों में दरार आएगी, परेशानियाँ आएंगी और धीरे धीरे उनके रिलेशनशिप्स में टूटने तक की नौबत आ जाती है। अक्सर देखा होगा कि पति पत्नी छोटी छोटी बातों पर बहस कर बैठते हैं, उलझ जाते हैं। बहुत सारे आप चेष्टा करते हैं कि लड़ाई झगड़े ना हो, इग्नोर किया जाता है, फिर भी अचानक ऐसे इन्वायरमेंट बन जाते हैं जिससे लड़ाई झगड़ा होने लगता है। ऐसे में आपको ध्यान देना चाहिए कि कहीं आपका पलंग टूटा हुआ ना हो। अगर ऐसा है तो उसे तुरंत चेंज कराएं या रिपेयर कराएं। घड़ी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन ख़राब घड़ियां हमारे वक्त को भी ख़राब करती है। ऐसा माना जाता है कि घड़ी की स्थिति हमारे घर परिवार की उन्नति की निर्धारित करती है। अगर आपके घर में घड़ी सही नहीं होगी, बंद होगी, तो परिवार के सदस्य कार्य पूर्ण करने में बाधाओं का सामना करेंगे और काम तय समय से कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ आपके घर में यदि कोई टूटी हुई तस्वीर है तो उसे भी निकाल के फेंक दें, क्योंकि तस्वीरें हमारे जीवन पर पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स डालती है। इसलिए हमेशा वास्तु के अनुसार ये वास्तु दोष उत्पन्न करती है, टूटी हुई तस्वीर। अगर घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खराब है, टूटी हुई है, तो उसे भी ना रखें। और साथ ही साथ कोई भी तरीके की पेंटिंग्स जो मार काट वाली हो या फिर ख़राब चीज़ों वाली पेंटिंग्स है, उसे घर में नहीं रखनी चाहिए। ये आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट डालते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके घर का मुख्य दरवाज़ा। अगर वो टूट फूट रहा है, आवाज़ कर रहा है, उसमें दरारें आ गई हैं या किसी भी तरह की उसमें समस्या है, गंदी है, तो उसे तुरंत रिपेयर कराएं, उसे ठीक करवाएं, क्योंकि दरवाजे में टूट फूट स्पेशली अशुभ मानी गई है। घर का फर्नीचर आदि आपको सही हालत में रखना है। अगर आपको लगे कि एक कॉर्नर टूटा हुआ है, उसे ठीक कराने से धब्बा हो जाएगा वो टूटा हुआ रखने से, तो टूटा हुआ रखने से बेहतर है कि वो धब्बा दिखे, लेकिन टूटा हुआ फर्नीचर घर पर ना रखे, क्योंकि यह घर पर बहुत ही बुरा असर डालती है। जो टूटे हुए डब्बे हैं, खराब खिलौने हैं, कई बार ऐसा होता है कि माँ मुँह में बच्चों के खिलौने, जो उनके बचपन की यादें हैं, उन सभी को उठाकर अपने पास रखी रहती हैं कि जब वो बड़े होंगे तो मैं उन्हें दिखाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। खराब खिलौने जो हो गए हैं उन्हें बिल्कुल हटा दें। बेकार की सजावटी सामग्री जो आपके घर में छूट मूट भीड़ करती है उसे हटा दें। फटे हुए कपड़े बिल्कुल भी घर में ना रखें, इसमें अलक्ष्मी घर में तुरंत वास करती है। टूटी हुई चप्पलें और पुरानी चादरें जितनी जल्दी हो सके तुरंत के तुरंत निकाल के फेंक दें। अगर इसमें से एक भी पीस आपके घर में रह जाता है तो माता लक्ष्मी आपके घर पर कभी नहीं आएंगी और आपके घर में अलक्ष्मी का आगमन हो जाएगा। पिछले वर्ष के जो बचे हुए दिए हैं उसे भूल कर भी ना जलाएं। ऐसा बहुत से लोग करते हैं कि जब पिछले साल के दिए बच जाते हैं तो उसे उठा कर रखते हैं और सोचते हैं कि इसे मैं नेक्स्ट ईयर जलाऊंगा। बचे हुए दिए ना जलाएं, नए दिए खरीदें और दिवाली मनाएं। ज़्यादा कॉस्टली दिए ना खरीदें। आप बहुत सारे दिए लेके आएं जो मिट्टी के हों और इसे
अच्छी तरह कलर करके घर के चारों ओर लगाएं, जिससे आपका घर बहुत ही जगमग करेगा और माँ लक्ष्मी को आपके घर में आने के लिए कोई भी नहीं रोक पाएगा। एक और चीज़ है जो घर में वास्तु दोष उत्पन्न करती है, और वो है घर परिवार के सदस्यों को, जिसकी वजह से आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए कोई भी प्रकार की अगर आपके घर में आर्थिक दोष है तो उसका तुरंत निवारण करें। अगर वास्तु दोष अगर आप निवारण नहीं कर सकते हैं तो ध्यान रखें कि आपके घर में तुलसी का पौधा जरूर लेकर आएं वास्तु के नाम का, उससे वास्तु दोष घर में दूर होता है। जो भी घर का भारी सामान है या बिना बात की वस्तुएं हैं, अगर आपको फिर भी उसे स्टोर करके रखना है जो यूजुअली काम नहीं आते हैं, तो उसे दक्षिण पश्चिम भाग में रखें। ऐसा किसी भी स्थान पर भारी सामान रखना वास्तु के अनुसार बहुत ही अशुभ माना जाता है, इसलिए हर कहीं उसे ना रखें। और घर में बाथरूम या रसोई घर के लिए पानी की सप्लाई आपकी उत्तर पूर्व दिशा में होनी चाहिए। दिवाली का समय है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। दिवाली तो साफ सफाई तो करेंगे ही, साथ ही कुछ लोगों को आदत होती है घर में सामान को इधर उधर रख देने की, जिससे घर फैला फैला सा लगने लगता है। यदि आपके घर में भी कोई ऐसा इंसान है, ऐसा व्यक्ति है जो सामान को इधर उधर बिखेर के रखता है, तो उसे कहें कि वो अपनी इस आदत को सुधार ले, वरना इस दिवाली तो क्या किसी भी दिवाली में माता लक्ष्मी आपके घर में वास नहीं करेंगी। दिवाली के समय मित्रों और संबंधियों का घर में आना जाना लगा रहता है, ऐसे में अगर घर का सामान बिखरा हुआ हो तो अच्छा इम्प्रेशन नहीं जमता। इसलिए जितना हो सके घर के सामान को अपनी अपनी जगह पर रखें और सामानों को इधर उधर ना होने दें। दिवाली के दिन आपको घर में कूड़ा करकट नहीं रखना चाहिए और किसी की नज़र ना पड़े। आप अगर वहाँ पर रखते हैं कूड़ा तो आपको कोई समस्या नहीं होती है। दिवाली के दिन कुछ चीज़ें आपको पहले से कर लेनी है। दिवाली के पहले आपको दिवाली की शॉपिंग पहले करनी है। उपहार अगर किसी को देना है दिवाली पर तो वो आप पहले ही ले लें। कपड़े आप ध्यान रखें कि सिल्क के कपड़े पहनकर आपको पटाखे नहीं जलाने हैं। और ध्यान रखें जो भी दिवाली के दिन आप करेंगे उस दिन आपको झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चे जब पटाखे वगैरह जलाएंगे तो आपको सावधानी रखनी है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।